ओके तो भाई रॉक का हो चुका है बहुत बुरा वाला बेइज्जती, क्योंकि रॉक भाई थप्पड़ खा चुका है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से आज के स्मैकडाउन को। साथ ही साथ भाई हमें सेथ रॉलिंस और रॉक का भी बड़ा कमाल का हमें फेस ऑफ देखने को मिला आज के स्मैकडाउन को। एग्जैक्टली इस पूरे सेगमेंट में क्या हुआ हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले भाई ये सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले निक ऑल्डिस बैक स्टेज जाते हैं जहां सेथ रॉलिंस और कोडी रोड स्टे किए हुए। सेथ रॉलिंस और कोडी रोड जहां रुके हुए थे भाई उसके बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जैसे निक ऑल्डिस अंदर जाते ना ही वहां पर सेथ रॉलिंस रहते ना ही वहां पर कोडी रोड्स रहते, सारे लोग यहां पर घबरा जाते कि आखिर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स आखिर गए कहां। इसके बाद हमारे लॉर्ड हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज हमें स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलते हैं शो के मेन इवेंट के। भाई जैसा रोमन रेंज का हमेशा एंट्रेंस रहता है उसी तरीके का रोमन रेंज का एंट्रेंस हमें आज के स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिला। फोक्स भाई अरीना के अंदर आप लोग देख सकते हैं जितने भी लोग थे सारे लोग रोमन रेंज को एक्नॉलेज कर रहे थे। रोमन रेंज भाई यहां पर रॉक के साथ इंटरेस्ट नहीं करते हैं, रोमन रेंज भाई अपने पूरा ब्लड लाइन के साथ इंटरेस्ट करते हैं रॉक को छुड़ाकर। अगर हम लोग रॉक का बात करें तो भाई देन उसके बाद हमें रॉक का इंटरेस्ट देखने को मिलता बहुत आराम से। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई 15 मिनट सिर्फ टाइम लगा था, सिर्फ 15 मिनट टाइम रोमन रेंज और रॉक का इंटरेंस करने में। अभी 15 मिनट होने के बावजूद भी अभी सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का अभी भी इंटरेस्ट बाकी था। देन इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का इंटरेस्ट देखने को मिलता है जहां सेथ रॉलिंस भाई ब्लैक कोट पूरा पहने हुए थे, जिस तरीके से भाई शील्ड अपना इंटरेंस किया करता था उसी तरीके से हमें इंटरेंस इन दोनों का भी देखने को मिलता है। मैं आपको उससे पहले का रिंग का माहौल बताता हूँ भाई, रोमन रेंज इस साइड देख रहा है रॉक उस साइड देख रहा है, मतलब ना ही रोमन रेंज रॉक की तरफ झुक रहे ना ही रॉक मतलब रोमन रेंज की तरफ झुक रहा है। ऐसा होता ना कि दोनों सेम टीम के मेंबर है तो आकर हाथ वगैरह मिला, ऐसा हमें कुछ भी चीज देखने को नहीं मिला। लास्ट में उसके बाद रोमन रेंज सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है हम लोग हाथ भी मिला लेते हैं, उसके बाद रोमन रेंज आगे से ऑफर करते हैं। उसके बाद भाई रोमन रेंज और रॉक यहां पर बहुत अच्छे तरीके से गला भी मिलते हैं, बड़ा अच्छा यहां पर एनवायरनमेंट था। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं भाई, मिलने के बाद भी रॉक अलग खड़े थे यहां पर, रोमन रेंज अपने ब्लड लाइन के साथ अलग खड़े थे। भाई रोमन रेंज हमेशा जो एक्नॉलेज मी बोलते हैं यहां पर एक्नॉलेज अस बोले थे, एक्नॉलेज मी नहीं बोले। वैसे सेथ रॉलिंस के एंट्रेंस के बाद हमें कोडी रोड्स का भी इंटरेस्ट देखने को मिलता है सेम उसी तरीके से ऑडियंस के बीच। रिंग के अंदर भाई अब चारों रेसलर आ चुके थे, पॉल हेमन सोलो सिकोवा भाई जितने भी लोग थे सारे लोग रिंग से नीचे उतर गए थे। पॉल हेमन जिम उसो भाई सारे लोग बिल्कुल रेडी थे कि जैसे मतलब रिंग के अंदर कुछ गड़बड़ हो हम लोग तुरंत ही अटैक करते। वैसे भाई अब देखना यहाँ पर मजेदार ये था कि रिंग के अंदर चार चार रेसलर है तो एक्चुअली ऑडियंस किसका चाइंट करती है। भाई आप गेस नहीं करोगे यहाँ पर विनर कौन सा रेसलर निकलकर सामने आता है, विनर हमारे निकलकर सामने आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मैं आपको बता दूं पूरा जो एरिना इस टाइम पर म्यूजिक गा रहा था सारे लोग सेथ रॉलिंस का यहाँ पर म्यूजिक गा रहे हैं। भाई सेथ रॉलिंस इस बात को फिर से प्रूफ कर चुके हैं मैं रोमन रेंज तुमसे महान हूँ हमेशा के लिए। भाई मैं आपको बता नहीं सकता भाई एरिना का जो एनवायरमेंट था भाई सच में नेक्स्ट लेवल का था। वैसे सबसे पहले माइक कोडी रोड्स की तरफ जाता है, कोडी रोड्स इस बात को बोलते हैं कि यार रॉक तूने एक्नॉलेज कर दिया रोमन रेंज को। कोडी रोड्स रॉक को बोलते हैं कि रॉक तुम बोलता था कि पूरा अथॉरिटी मेरे पास है डब्ल्यू ली कंपनी का, तुम रोमन रेंज से डर गए तुम उसे एक्नॉलेज कर लिया। भाई आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो एक तरीके से भाई यहाँ पर कोडी रोड्स रॉक को बार बार पोक कर रहे थे कि तुम रोमन रेंज के अगेंस्ट चले जाओ। देन उसके बाद भाई रॉक इस बात को बोलते हैं कि देख भैया ये मेरा फैमिली बिजनेस है इसके बीच में तुम मत, मैं रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया क्योंकि रोमन रेंज मेरा फैमिली मेंबर है, मेरे दादाजी और रोमन रेंज के दादाजी दोनों भाई थे। और देन उसके बाद भाई रॉक अपना पूरा रूल भी समझाने लगते हैं कि अगर तुम बेटा रसलमेनिया का फर्स्ट नाइट के ऊपर हारा तो रसलमेनिया के सेकंड नाइट के ऊपर हमारा राज होने वाला है, मैं आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे पावरफुल इंसान हूं तो मैं इस मैच के अंदर कुछ भी कर सकता हूं, तो अगर तुम रसलमेनिया फर्स्ट नाइट के ऊपर हारे तो तुम्हें फिर से रोना पड़ेगा, तुम फिर से तुम्हें मतलब कोडी क्राई बेबी बनना पड़ेगा। देन इसके बाद भाई हमें सेथ रॉलिंस यहां पर देखने को मिलते हैं, सेथ रॉलिंस भाई बहुत ज्यादा गुस्सा में बोल देते कि चलो ठीक है हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर भाई रोमन रेंज से मजाक उड़ाना शुरू कर देते कोडी रोड्स की, भाई मतलब तुम्हारा मैच है ये सेथ रॉलिंस ऑफिशियल कर रहा है, ये जोकर सा रेसलर सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स तूने इतना पावर दे दिया कि ये मैच को ऑफिशियल कर रहा है, मतलब तुम्हारा कोई औकात नहीं इसके सामने। एक तरीके से भाई ब्लड लाइन के दोनों मेंबर यहां पर मिलकर भाई ट्रोल कर रहे थे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का। भाई लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता जो कि भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, रॉक ने भाई बहुत गंदा बोल दिया कोडी रोड्स को। वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई हमें रॉक को मतलब सेथ रॉलिंस का हमें बड़ा कमाल का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है, फ्यूचर में शायद इनका मैच भी हो सकता है। भाई लास्ट में रॉक कोडी रोड्स को बोल देते कि तुम जितने भाई बनो उसमें सबसे मतलब छोटा तुम ही हो, तुम्हारे बड़े भाई का जन्म और तुम्हारा जन्म के अंदर पूरे 20 साल का डिफरेंस है, इसका मतलब है कि भाई कोडी रोड्स तुम एक अनवांटेड चाइल्ड हो, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें चाहते ही नहीं थे कि तुम्हारा जन्म। इस तरीके से भाई रॉक ने कोडी रोड्स को पोक कर दिया, इसके ऊपर भाई कोडी रोड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कोडी रोड्स भाई उसके बाद रॉक को एक लपड़ भी लगा देते हैं, उसके बाद मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। एक्चुअली भाई स्मैकडाउन का टाइमिंग यहीं पर खत्म हो गया था, उसके बाद हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। हाँ भाई इस सेगमेंट के अंदर भी बहुत कुछ और भी चीज था जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन लोगों को मेरे से बात करना भाई सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आना मत भूलिएगा।